अभी हम सोनपुर मेला में हैं और आपको बताना चाहूंगा जिस सोनपुर मेला का चहक दहक जो है बढ़ना चाहिए, जिस सोनपुर मेला में थिएटर जो जब आता है तब भीड़ें लगने लगती है, जिस सोनपुर मेला में थिएटर के अंदर में बलाओं का नृत्य होता है उसी समय थिएटर जो है बंद पड़ा है और थिएटर अंधकार में डूबा हुआ है। इसका कारण क्या है? आखिर सोनपुर मेला में थिएटर क्यों नहीं चल रहा है? थिएटर के बंद होने का कारण क्या है? क्या सोनपुर मेला में थिएटर इस साल नहीं चलेगा? ऐसा बहुत सारे सवाल है कि आखिर में सोनपुर मेला में जो थिएटर्स लगे हुए हैं वो अंधेरा क्यों है, अंधेरा जो है छाया क्यों है। आप देख सकते हैं ये वही सम्राट थिएटर है जिस सम्राट थिएटर में सबसे ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिलता है। भीड़ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सम्राट थिएटर में जो है काजल रहती है, जिसको वायरल गर्ल काजल के नाम से जाना जाता है। उस वही काजल जो राजगीर में सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसका वीडियो जो है सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था थिएटर के अंदर में, उसी काजल का जो है ये सम्राट थिएटर है, शोभा सम्राट थिएटर है। और फिलहाल आप पोस्टर देख सकते हैं, बड़का पोस्टर जो सबसे ऊपर लगा हुआ है और लिखा हुआ है वायरल गर्ल काजल। लेकिन फिलहाल जो है थिएटर बंद है, थिएटर नहीं चल रहा है, चारों तरफ अंधेरा पसरा है। लेकिन आखिर में कारण क्या है जिसके कारण शोभा थिएटर जो है वो बंद है? आखिर में ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो है गेट बंद है, लोग नहीं आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिस समय में इस शोभा थिएटर में आपको हजारों की भीड़ दिखती थी, जिस समय में इस शोभा थिएटर के अंदर जो है बलाओं का नृत्य देखने को मिलता था, जिस शोभा थिएटर में काजल का डांस देखने को मिलता था, वो शोभा थिएटर अभी बंद है? आखिर में कारण क्या है, क्या कारण है भैया, आखिर में बंद क्यों है अभी तक? प्रशासन का लापरवाही है सर। प्रशासन का लापरवाही है? क्या लापरवाही क्या है? लापरवाही बताइए, आखिर में शोभा थिएटर क्यों बंद है? नीतीश बाबू का क्षेत्र है बिहार शरीफ राजगीर, राजगीर में चार गो थिएटर चल रहा था, नीतीश बाबू का क्षेत्र था। तो यहाँ सोनपुर, यहाँ तेजस्वी जी का क्षेत्र है, तो यहाँ इसलिए तेजस्वी जी को यहाँ से इस तरह का माहौल है, वोट बैंक का राजनीतिक है यहाँ, इसीलिए नीतीश बाबू नहीं चाह रहे कि थिएटर बंद। थिएटर बंद होने से राजनीति का क्या संबंध? ये बिल्कुल वोट बैंक का राजनीति है यहाँ, थिएटर से थिएटर में वोट मांगा जाता है। हाँ, थिएटर में वोट, थिएटर में तो इसके अंदर डांस होता है, तो डांस होता है, हम लोग ना डांस देखते हैं, लेकिन पब्लिक हम डांस देखने आए, नीतीश बाबू चलवाएंगे इसको तब ना डांस देखने आएंगे। अगर वो नहीं चलवा रहे तो डांस हम आए, टिकट नहीं मिला तो घूम के वापस जाएंगे, तो इसका गड़बड़ी किसके ऊपर जाएगा? सरकार के ऊपर जाएगा, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है उनके ऊपर जाएगा। तो बिहार शरीफ में गर मरा वाला थिएटर चलवा दिए, यहाँ पे कहा बात है, इतना बात है, इतना बात है, यहाँ पे यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ राजद का ये वोट बैंक है, इसीलिए वो कुर्मी का वोट बैंक लेना चाहते हैं, बस इतना ही बात। सुनिए, आइए ना, आइए आइए आइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलकर जो है कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नीतीश कुमार की रिलाई करके जो है वो निकल गया है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि अभी भी शोभा थिएटर बंद है और शोभा थिएटर में बलाओं का नृत्य देखने के लिए वायरल गर्ल काजल को देखने के लिए जो है भीड़ लगी हुई, देख लीजिए पूरा लोग आए हुए। क्या करने आए भैया? इनसे बात करें, इनसे बात करें, क्या करने आए हैं, क्या करना है भाई? हाँ, काजल को देखने के लिए। काजल को देखने? हाँ। क्या बात है, राजगीर में नहीं देखे का? राजगीर में कहाँ गए अभी तक? नहीं गए थे? नहीं नहीं, अभी नहीं गए, इसलिए यहाँ देख लेंगे ना, यहाँ देखिए, दूर जाना पड़ेगा ना, इसलिए यही देख लेंगे बगल में। हाँ, इसको दरारू को बोल के आए चुपके से। नहीं, अभी मेहरारू नहीं है ना, मेहरारू नहीं, देख लीजिए, मेहरारू नहीं है। क्या क्या कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, मोगी देख भाग रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? अब तो शोभा थिएटर बंद है, बंद है तो वही ना, प्रशासन बंद कर ले कि सरकार बंद कराए हुए है, और मेला टूट रहा है, हम लोग बैग के दुकान लगाए हुए हैं, कमाई नहीं हो रहा है, कमाई नहीं हो रहा, सही बात है। कारण क्या है कि आप लोगों का भी कमाई मर रहा है? इस चालू रहेगा तो सभी का धंधा चलेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो 9 बजे मेला बंद है। कब बजे मेला बंद हो जाएगा? 9 बजे हो जाएगा ये। हाँ, अगर चालू रहता तो पूरे नाइट, फुल नाइट। अब देख सकते हैं भाई, दुकानदार लोग हैं, शोभा थिएटर के बगल में इनका दुकान है और दुकान जो है इनका ये इस थिएटर के चलने से जगमगाता है, लेकिन अभी जो है आपका भी दुकान जो है वो मंदा चल रहा है, बंद है तो पूरा। आप क्या करने आए भाई?
हम भी दुकान लगाए हुए हैं, कैंटीन है। हाँ। क्या आप अपने दुकान का हाल बताइए, चल रहा है कि नहीं? देख रहे हैं शटर लग रहा है, देखिए ना वहाँ शटर लग रहा है। ये वाला कॉफी का है? कॉफी सब मेरा। क्या कह रहा चाचा? दुगो कमल के दुकान खुले है, थिएटर चालू नहीं है, हम लोग का दुकान नहीं चल रहा है, सब मंदा पड़ा हुआ है। काजल को नहीं देखिएगा? ना पहले वो ना देखेंगे, चलेगा तो ना वो देखेंगे, चलेगा तब देखिएगा। हाँ दुकाने नहीं चल रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा देखने के लिए? लेकिन अगर चालू होता तो देखिएगा। हाँ कमाएंगे तो देखेंगे ना, बताइए ना, देखिएगा। तब कितना दूर दूर से आदमी लोग आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, आज बताइए। बेगूसराय चालू करवाइए, एकदम कैसू चालू करवाइए। समझ सकते हैं जितने भी दुकानदारी है, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे व्यवसायी लोग हैं जो सोनपुर मेला में दुकान खोले हुए, सोचेंगे कुछ रोजगार करके अपने घर का पालन पोषण करेंगे, उन लोगों का कहीं ना कहीं पेट पर लात मार दिया गया है, इसलिए क्योंकि शोभा थिएटर बंद है। कहीं ना कहीं थिएटर्स का बंद होने का कारण तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि शोभा थिएटर के बंद होने से कहीं ना कहीं आसपास की जो दुकानें हैं, जो रोजगार है वो ठप पड़ा हुआ। रीजन क्या है इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं जो वायरल गर्ल काजल है उसको देखने के लिए लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं वायरल गर्ल काजल का वो नृत्य है, कहीं ना कहीं उसका चेहरा मुखड़ा है जिसको देखने के लिए लोगों का भीड़ जो है वो आता है। फिलहाल शोभा थिएटर बंद है, शोभा थिएटर के अलावा अगल बगल के जितने भी थिएटर्स हैं वो बंद है। प्रशासन आखिर में शोभा थिएटर के अलावा बाकी थिएटरों को परमिशन क्यों नहीं दे रही है, इसका कारण प्रशासन ही बताएगी। फिलहाल सोनपुर मेला के सारे थिएटर्स बंद है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या विचार है, क्या आप सोनपुर मेला में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।